बॉलीवुड और राजनीति में बखूबी छाप छोड़ने वाले एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर काफी लंबे टाइम से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, या फिर यूं कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद भी वो मीडिया की लाइमलाइट से दूर थे, लेकिन फिल्म मुल्क और बागी 2 जैसी फिल्मों को लेकर के वो एक बार फिर से ग्रैंड कमबैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने टाइम तक वो मीडिया की लाइमलाइट से दूर क्यों थे और इसकी वजह क्या थी? तो कुछ टाइम पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहने के उन्होंने कई कारण बताए। उन्होंने बताया कि मेरे इस 10 साल के फिल्मी करियर में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने अपने करियर को बर्बाद होने के पीछे अपनी कुछ बुरी आदतों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही अपनी इस गलती के लिए उन्हें काफी पछतावा भी है। उन्होंने बताया कि मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है सिवाय इसके कि मेरे दादा दादी मेरी जिंदगी के इस पड़ाव में अच्छी चीजों को देखने के लिए यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि पछतावा सिर्फ भार और उससे केवल निराशा ही मिलती है। बता दें कि इस टाइम प्रतीक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म जाने तू या जाने ना से की थी और इन दिनों उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में दर्शकों को देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।